Hey guys, what's up? स्वागत है आपका GTA 5 के एक और नए गेम प्ले में। ये वीडियो देख रहे हो आप गेमिंग तक यूट्यूब चैनल पे। तो आज भैया हम वापस से लॉजिटेक के G29 स्टेयरिंग व्हील के साथ ऊबर ड्राइविंग करने वाले हैं। और मेरे चैनल पे यानी AJ गेमिंग पे आपने देखा होगा कि फ्रैंक सॉरी ट्रेवर ने ये गाड़ी खरीदी थी, फोर्ड एंडेवर। तो ये गाड़ी इसने खरीदी थी, एक तो फ्रैंकलिन की गोल्ड लेम्बोर्गिनी वापस दिलवाने के लिए बैलास गैंग के थ्रू, और दूसरा इसका अपना वही ऊबर बिजनेस। तो आज हम ऊबर बिजनेस करेंगे। शाम हो चुकी है ऑलरेडी, रात की हमारी शिफ्ट लगी है आज की, तो दिन में ज़्यादा ऊबर ड्राइविंग नहीं होगी, रात रात को होगी। पहले आप साउंड सुन लो, इस गाड़ी की काफ़ी मस्त है। काफ़ी बढ़िया, और ऊपर सनरूफ भी खुली हुई है। तो फटाफट से ऊबर राइडिंग का अपना पहला ऐप खोल लेते हैं पहले। ओके, तो फाइनली अपना पहला कस्टमर मिल चुका है हमें। बैक मारनी पड़ेगी। चलो भैया, फाइनली एंडेवर में अपनी पहला कस्टमर उठाते हैं आज जाकर। देखते हैं कि दूर का मिलता है या पास का मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे रात को तो दूर के नहीं मिलेंगे, आसपास के ही होंगे जो पार्टी वार्टी करने जा रहे होंगे। और सामने देख सकते हो सूरज भी ढल चुका है। बस चल भाई, चल आगे ले, आगे ले, फटाफट आगे ले। तो भैया कस्टमर को नोटिफिकेशन मिल गई है, ये रहा हमारा पहला कस्टमर आज का। और हाँ भाई, अगर आपको स्टीयरिंग व्हील के गेम प्लेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को 6000 लाइक्स कर देना। आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे स्टीयरिंग व्हील के वीडियोस बनाता रहूँगा मैं। इसमें बस एक यही दिक्कत है, इसकी पिकअप इतनी अच्छी नहीं है। मतलब पूरे कम से कम 80-90 की स्पीड पर जाने के लिए मेरे को तीसरा गियर मारना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुझे ये झंझट लगता है इसमें, क्योंकि एक तो 6 गियर वाली गाड़ी है ये। बट कोई बात नहीं भाई, इस टाइप की गाड़ियों में ज़्यादा पिकअप एक्सपेक्ट करना लाजमी बात भी नहीं है। खैर, और इसको ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, लगभग 1.5 किलोमीटर जाना है, तो पास में ही है ये। फटाफट से इसको छोड़ आते हैं भैया जी। और ये लाल लाइट क्या करे, तोड़ देगा लाल लाइट दो। और हाँ, मेरा फेस कैम नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाई एक ही कैमरा सेटअप कर सकता हूँ मैं अभी। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए ड्यूल कैमरा सेटअप के लिए, वो लॉकडाउन खुलेगा तभी मैं ला पाऊँगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग जब तक मैनेज कर लो एक कैमरा में ही, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी शक्ल से। मैं हूँ आपका वो ही AJ गेमिंग अनमोल भाई। यार कंट्रोल अच्छी हो रही है मेरी उससे, जो वो थी ना मेरी, अबे कौन सी गाड़ी थी, फॉर्चूनर, फॉर्चूनर से ज़्यादा अच्छी कंट्रोल हो रही है। मतलब पूरी कंट्रोलिंग के मामले में कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। अरे भाई, रात को तुमने तमाशे करने होते हैं। कहाँ जाना है इसे, समझ ही ना आ रहा मेरे को तो। पता नहीं कौन कौन सी गलियों में घर ले रखा है, देख ना कितनी भीड़ी भीड़ी गली है, पतली पतली सी। कोई बात नहीं भाई, कस्टमर है, भगवान की तरह होता है कस्टमर। खैर, ये तो फ्रैंकलिन के घर वाला एरिया है भाई साहब, फ्रैंकलिन के आसपास ही रहता है क्या कहीं। ओके, तो यहीं रहता है ये, गाड़ी भी यहीं लगा देते अंदर। चल भैया उतर जा, टाटा सी यू। गेट तेरा फूफा बंद करेगा है अबे, फूफा बंद करेगा तेरा गेट, तो खुद ही उतरो भाई, गेट बंद करो। इनके तो बस पैसे देकर निकल लेते हैं ये, ठीक ना, गेट खोल के। चलो भाई, अगला कस्टमर पिकअप करते हैं। अबे यार, बैक लेनी पड़ेगी। भाई साहब कितना हार्ड है, पतली पतली गलियों में टर्न लेना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। ये भी यही है आसपास, चलो अच्छी बात है। आ जा भैया,
कहाँ से आ रही है? वो लड़की आ रही है, ये पक्का पार्टी करने जा रहे होंगे। यहाँ से लोग अगर जा रहे हैं तो मेन सिटी सेंटर तक ही जाते हैं। ओ बच गई, अभी एक्सीडेंट हो जाता इसका। भाई ध्यान से आ, बैठ जा जल्दी, ये तो सदमे में आ गई भाई गाड़ी से बच के। ओ भाई क्या क्लोज कॉल थी। चल 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 जल्दी निकाल। ये देख इतनी जल्दी हो रही है इसे मत्तर को, मतलब कि 2 सेकंड के सबर नहीं होता लोगों को। ऐसे करते हैं बिहेव जैसे भागना है इनको कहीं पे। अरे वो इंडिकेटर काम कर पड़े इस गाड़ी के, लास्ट वीडियो में इसके इंडिकेटर काम नहीं कर रहे थे। क्या आगे बैठी है क्या? वो पीछे ही है ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ शेट भाई, बंदा बचे है क्या भाई साहब? बाल बाल बचे है, देख रहे हो? अभी नई गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाती भाई। तीसरे गियर में देखना 70-80 पहुंच पा रही है बस। गलत बात है ये तो बहुत ज्यादा। 5वें गियर से नीचे तो चला ही नहीं पा रहा मैं इस गाड़ी को, बट कंट्रोलिंग के मामले में सच में बहुत बढ़िया गाड़ी है। चलो चले मितवा। ओहो मैं तो भैया तोड़ देता हूँ सिग्नल। ओ भाई दूसरे से सीधा 5वां गियर, देख रहे हो क्या गजब का ड्राइवर हूँ मैं, खतरनाक है गाड़ी ड्राइविंग मेरी, सॉरी। अबे यार कॉर्नर पे लगा लेते हैं, आ जाओ भैया। चलो बैठो, ओ बैठो यार उतरो। ओ भाई इसने तो $26 दिया सिर्फ, रात को तो भाई ज़्यादा मिलने चाहिए, मैंने इस चक्कर में नाइट शिफ्ट करी है। तो ये भी गेट खोल के छोड़ गई, अब मैं बार बार उतरूंगा थोड़ी गेट बंद करने के लिए, डायरेक्ट ऐसे ही बंद हो जाएगा छड्डो। ओ अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको रोल्स रॉयस ज़्यादा पसंद है या इस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। वह बंद हो गई, साइड में लगा, साइड में। आ जाओ भैया, सुपर मार्केट से सामान लेने आए थे ये भाई साहब। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, एक तो कोई सवारी दे दो $70-80 वाली, कि महंगा काम धाम हो। अबे ये कौन सा नक्शे में से रास्ता आ गया, और नीचे जैसे ही नीचे आया अंडरग्राउंड मैप में से लोकेशन भी गायब हो गई। अंडरग्राउंड गूगल मैप काम नहीं करता क्या? नो लॉस सैंटोस का नकली गूगल मैप है। यार इसको भी ज़्यादा दूर नहीं जाना, छोटी छोटी सवारी है क्यों मिल रही है? बच गए भाई, देख रहे हो क्या गजब निकाला है बीच में से, आतंक ही मचा दिया। ओ, 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 मेरी गलती है, मेरी गलती है, सॉरी। इस वाले व्यू से ना बहुत मस्त चलती है मेरे से गाड़ी, मतलब रियल वाली फीलिंग आती है ना, क्योंकि चलो जी उतरो। ये वो इसे नहीं ज्यादा दे दिए बताओ, $32 दे दिए, जबकि इसका तो रास्ता और भी छोटा था। गलत बात है यार ये तो, जो दूर तक जा रहे हैं वो कम पैसे दे रहे हैं, जो पास पास जा रहे हैं वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं। भाई
आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। उधर टैक्सी खड़ी है लेकिन ऊबर बुलाई है इसने। जल्दी आ जा जल्दी जल्दी भाई जल्दी या मोटी मोटे, जल्दी बैठ जा जल्दी। पुलिस आके अभी चालान काट जाएगी वरना। चलो हो भाई, इसको चलो जलवे दिखाता हूँ थोड़े से, इसको स्पीड दिखाता हूँ क्या होती है। फट के हाथ में आ जाएगी। ओ ओ ओ ओ, ठोकनी नहीं है, नई गाड़ी ठोकनी नहीं है। अभी से डरा के दिखाता हूँ, देखना एक बार सीधी रोड आने दो, इसकी हालत खराब हो जाएगी। इतनी तेज है एकदम से भगाऊंगा ये, अब देखना। ओ इसको तो बहुत दूर जाना है, कहाँ गाँव जाना है क्या भाई। ये बड़ी सवारी मिली आज की, चलो बेस्ट है। और रात ज़्यादा हो गई है अब तो टिप भी ज़्यादा देंगे, अच्छी बात है, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेट्स गो। हो भाई देख रहे हो क्या ड्राइविंग करता हूँ मैं, खतरनाक वाली। लेट्स गो। ये वाले रास्ते से ऑफ रोडिंग करनी है, क्या कहते हो भाई लोग? ऑफ रोडिंग की वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। ओ भाई 160, 160 पे पहुँचा दी छठे गियर में। बस लिमिट रीच हो रही है इस गाड़ी की, 180 तक पहुँच गई है ऑलरेडी, 200 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा भगाऊंगा तो भैया गाड़ी हवा में उड़ लेगी फिर तो। देख रहे हो क्या व्यू है यार भाई साहब, लॉस सैंटोस के बाहर जाने का, ये पक्का गाँव में जाना है। चलो सही है, मैं गांव जाके सो जाऊंगा फिर, घर तो मेरा गांव में ही है। लास्ट लास्ट ये है, ऊबर राइडर पकड़ते हैं बस। ओ भाई साहब 170-180 से नीचे तो जा ही नहीं रहा मैं, गजब की स्पीड पकड़ रही है इन हाईवे वे गाड़ी। और कंट्रोलिंग तो गजब है भाई सच में, इतनी मक्खन कंट्रोल हो रही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है जैसे। ये देखो रोशनी बंद करने पे कितना साफ दिख रहा है सामने, रोशनी जलाने पे दिक्कत हो रही है क्योंकि बाहर की लाइट्स इतनी है, आगे हेडलाइट्स की ज़रूरत ही नहीं है, बट लो बीम पे मेरे को रखनी पड़ेगी। ये देखो अंदर का भी बंद हो जाता है, वरना इसका ये दिक्कत है सबसे बड़ा। लो बीम या हाई बीम जो भी रखना चाहता हूँ मैं वही रख सकता हूँ, बट चला के तो रखनी पड़ेगी वरना अंदर की भी लाइट गायब हो जाएगी। चला जाता हूँ इक्के दिन में धड़कते दिल के तराने लिए। देख रहे हो कितनी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लिया भाई साहब, खतरनाक। इतनी तेज और सही गाड़ी है ना, बिल्कुल मक्खन चल रही है। आहा आहा मज़ा सा आ गया। ला 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 ला। अब जाएंगे हम टनल के अंदर, नहीं यार टनल आते वक्त ही कहते यार, रात को टनल मस्त लगती है, एकदम लाइट लाइट होती है ना अंदर। ऊपर देखो ट्रेन की पटरी है हमारे राइट में। जा बे, जानता नहीं है मेरे को मैं कौन हूँ। गंदी भी बहुत हो रही है यार, वॉशिंग करवानी पड़ेगी गाड़ी की। चलो गांव में हम धीरे धीरे एंटर कर गए हैं, बस फाइनली एरिया आ ही गया गांव वाला। ओ यहाँ अंधेरा ज़्यादा है, यहाँ हेडलाइट ऑन करनी पड़ेगी, कुछ नहीं दिख रहा भाई यहाँ। ये देख रहे हो, ओए होए होए होए, ऊपर सितारे ही सितारे हैं चमकते हुए मस्त से, क्या बात है यार। यहाँ पे मज़ा आ रहा है ना ड्राइव करने का, तो ना ज़्यादा ट्रैफिक ना कुछ, मस्त फुल स्पीड में भगा रहा हूँ 170-180 में। तो भैया इसका घर भी आ ही गया। पूरी गंदी हो गई गाड़ी भाई साहब, गांव में आने पे यही झंझट है सबसे बड़ा। तो आते आते ऐसा मिट्टी लगती है ना पूरे रास्ते में। तो जी आ गया इसका घर भी। चलो जी या
चलो भैया ऐप बंद करते हैं और अपने घर निकलते हैं यहाँ से, फिर गेट खोल के देखना कितनी गंदी गाड़ी हो गई भाई, सब मिट्टी मिट्टी। तो चलो भैया फिर इस वीडियो को इतना रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और भैया मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय बाय।